कहते ने भाई साहब भाई नंदलाल दे शरीक जब आनंदपुर साहब पहुंचे ना उन्होंने दुख बड़ा होया। मुल्तान तो आए सन, नंदलाल पांडे पे मांजदे सन लंगर दे। ते शायद आपनु पता होवे नंदलाल बहादुर शाह दे अतालीक सन, औरंगजेब दे लड़के दे जो लड़के सन औरंगजेब दे पोतरियां नु पढ़ांदे सन, अतालीक सन, शहनशाहां दे बच्चे, नवाबां दे बच्चे, जागीरदारां दे बच्चे ओ पढ़दे सन। उस वक्त दे बहुत वड्डे अतालीक सन, फारसी उर्दू दे अतालीक कहिंदे ने, पढ़ाण वाले ने ट्यूटर अतालीक सन। एक दिन किधरे कुरान दी आयतां दे इस ढंग नाल अर्थ कीते, अजे शहनशाहियत औरंगजेब दी चल रही सी, पोतरे भी उस दे सन, ते बहादुर शाह नूं अजे गद्दी नहीं मिली सी। इह ते बाद च गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी मदद नाल मिली। जद कन्ना विच ओह अर्थ पै गए ते औरंगजेब ने मुराद नूं कह दिता, ऐसा रोशन जमीर बंदा, ऐसा रोशन दिमाग बंदा हिंदू नहीं चाहिए। बस इन्नी गल कह इशारा कर दिता। अद्धी रात दे वक्त मुराद आया, नंदलाल दे कोल सुते भाई साहब नूं जगाया, आख्या मेरा घोड़ा ले लो, नस जाओ, बच जाओ, निकल जाओ, क्यों थोड़ा रोशन दिमाग खतरे च है, थोड़ी रोशन जमीर खतरे दे च है, थोड़ा ईमान खतरे दे च है, तुसी मेरे मित्र हो, मैं मित्रता निभाण दे नाते आया, ये मेरा घोड़ा लो, इस ते बैठो ते दौड़ जाओ, भज जाओ। नंदलाल कहिंदे ने मित्रा कित्थे भज जावां, सारे भारत दे ते राज इस दा ही है, जिथे जावांगा पकड़ा जावांगा, कित्थे भज जावां, सारी जगह ते इसे दा हुक्म चलदा है। मुराद ने कहा एक थां ऐसी है जिथे औरंगजेब दा हुक्म नहीं चलदा, धन गुरु गोबिंद सिंह दा हुक्म चलदा। ओ केड़ी थां है, ओ केड़ी जगह है, ओ आनंदपुर साहब है, उथे बज जा। रात नूं सफर करदे सन, दिन नूं किधरे छुप जांदे सन, मंजिल दर मंजिल तय करके पहुंचे, सतगुर दे दरबार विच हाजरी भरी, मत्था टेकिया ते कहन लगे महाराज मैं आप जी दे कोल रहना है, इत्थे ही रहना है, हुण मेरा दर घर यही है, मेरा सहारा तुसी हो, इत्थे ही रहना है। हां महाराज मैं इत्थे रहना, खुशी नाल रहो। तीन चार दिन तो बाद भाई साहब सतगुरु नूं कहण लगे, महाराज जद मैं इत्थे रहना है ते आपने रख लिया ते कोई सेवा बख्श दो मैनू। सतगुरु कहण लगे की कर सकदा है तू, तैनू की आउंदा, पहले दस। महाराज मैं रोशन दिमाग हाँ, मैं रोशन जमीर हाँ, मेरी कलम चो नगमे निकलदे ने, मेरे दिमाग तो रब्बी संगीत ते रब्बी गीत निकलदे ने, फिलसफा निकलदा है, ज्ञान निकलदा है, विचार निकलदे ने, मैं चिंतक हाँ, मैं अजीम शायर हाँ, मैं कलम दा धनी हाँ, दिमाग दा धनी हाँ, जबान दा धनी हाँ, रोशन जमीर हाँ, ऐसा मैनू सारे कहिंदे ने। सतगुरु कहन लगे तू रोशन जमीर है, हां रोशन जमीर है, दिमाग दा धनी है, धनी हाँ, इत्थे रहना भी है, हां महाराज रहना भी है, ते सेवा भी करनी है, हां महाराज सेवा भी करनी है, अच्छा तू बस लंगर दे पांडे ही मांझिया कर, बाकी छड। कहिंदे दिल नंदलाल दा बड़ा टुटिया,
हद हो गई, मैं दस भी देता है। शायर हाँ, अताली कहा, रोशन जमीर हाँ, रोशन दिमाग हाँ, कोई लिखण पढ़न की सेवा दें दे, पढ़ाण की सेवा दें दे, लंगर दे भांडे मांज कदी मांजे नहीं सन, दीवान दे लड़के सन, ते आप दीवानगी भी कर दे रहे, फिर अतालीक बने, हमेशा उच्चे उच्चे रुतबिया ते पिता रहा, ते आप रहे, कदी मांजे नहीं सन। पर सतगुर ने कहा जे थे रहना ही तो फिर भांडे ही मांजया कर, रोज रोज लंगर दे भांडे मांजदिया होर रंग रतड़िया की महफिल च रेंद्या, रंगे हुए मनुखां की महफिल च रेंद्या होया, मन की कालक हंकार मिटदा गया मिटदा गया मिटदा गया। सही मायने च भांडे मांजना मन मांजना हो गया, शरदा नाल करे मनुख ऐसा हो जाता है। फिर माहौल ऐसा सी, रंग रतणिया की महफिल, अभ्यासिया की महफिल, शरीकां नूं किधरे पता चल गया, सौरा परिवार दुखी होके मुल्तान तो आनंदपुर साहब पहुंचया, कोई हद हो गई, गुरु गोबिंद सिंह ने कदर ही नहीं की थी। इन्ना रोशन दिमाग बंदा, इन्ना पढ़ा लिखा बंदा, नवाब ते शहन शाह जिन्हों दीवानगी बख्शते रहे ने, सतगुरु ने कदर नहीं की थी। शरीक जद पहुंचे ते नंद लाल नो समझांदे ने, और रब दी नेत कोई रब नहीं करिश्मे करने होंदे ने, जद शरीक पहुंचे सन उदों भी नंद लाल भांडे ही मांजदे पए सन, काले हथ भिजे हुए कपड़े देख के शरीका ने समझाया, कोई गल नहीं, कोई खतरा नहीं, हुण तुसी साडे नाल मुल्तान चलो, गुरु गोबिंद सिंह ने थोड़ी कदर नहीं की थी। भांडे मांजन ते रखे, लंबी चौड़ी जद नसी तां करन लग पैने, तो हुण नंद लाल दे बोल सुनना, नंद लाल अपने शरीका नूं की कहिंदे ने, नसी हा ता चंद गोही, नसीहत करन वाले हो नसीहत ना करो, उपदेश देन वाले हो मैनू उपदेश ना दो, सिखिया देन वाले हो मैनू सिखिया ना दो, नसीहा ता चंद गोई किसा एवा अजूपन, बजमे मस्तां अस्त ईजा किस्सा ओ अफसाना ने, ये मस्तानिया दी महफिल है, रंग रतणिया की महफिल है, नंद लाल उत्थे पहुंच गया जिथे थोड़ी नसीहत नहीं पहुंच सकती, नहीं पहुंच सकती। नसीहा ता चंद गोई, कहिंदे ने शरीक समझा रहे सन, नंद लाल जवाब पे देंदे सन, पर एक पासे खड़े होके सारी गुफ्तगु धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सुन ली, सुने पहुंच गए, ते हुण शरीकां दे सामने जो सतगुरु कहिंदे ने नंद लाल नूं, असी तैनूं कोई चंगी सेवा नहीं दे सके, तू कलम दा धनी, दिमाग दा धनी, रोशन जमीर, असी तैनूं कुछ नहीं दे सके, तेनू ते बहुत कुछ देना चाहिदा सी। शरीकां दे सामने सतगुर इंज कहिंदे ने, असी तेनू कुछ नहीं दे सके, ते हुण नंद लाल जो कुछ कहिंदे ने ये सुन लेना, मैं आखिरी पंक्तियां छेती छेती समाप्त करां, समा हो गया। नंद लाल जो हाथ जोड़ के बेनती करदे ने, ये कीमती पंक्तियां ने, बड़ी कीमती पंक्तियां ने, दीवाने गोया दियां, गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो व जौके कज कोलाही नेस्त, ऐ मेरे बादशाह कोई भूल के भी थोड़ी गली चो लंघ जाए ना
ਉਹ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜਾਏ ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਬੂਆ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚੜੇਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਗਦਾਏ ਕੂਏ ਤੋਰਾ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜੀ ਗਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਦਾ ਹੈ ਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕੂਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀ ਨੂੰ ਗਦਾਏ ਕੂਏ ਤੋਰਾ ਮੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੇਸ ਹਵਾਏ ਸਲਤਨਤ ਵਾ ਜ਼ੌਕੇ ਕਜ ਕੁਲਾਹੀ ਨੇਸ ਐ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਤ ਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇਤਨਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਦਰ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਕਰਤੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲ ਮੰਗਤਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਰਤੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਵਿਰਤੀ ਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਹੈ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋਦਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜੇਵਾਂ ਉਂਝ ਰਜੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।